पसलियों में दर्द होना एक आम समस्या है जो आपके शरीर के प्लीयूरा हिस्से को प्रभावित करता है। खराब जीवन शैली की वजह से ये समस्या हो सकती है। ये दर्द गंभीर होता है जिससे कभी कभी सांस लेने में परेशानी होती है। पसली का दर्द आपके शरीर प्लीयूरा उत्तक की एक पतली परत होती है जो आपके फेफड़ों को लपेटती है। पसलियों पर पड़ने वाली किसी तरह के दबाव के कारण ही सांस लेने में दर्द महसूस होता है। ये दर्द जब गंभीर होने लगता है तो आपको तरह तरह की दिक्कतें होने लगती हैं और कभी कभी सांस लेने में परेशानी होती है। पसलियों में दर्द के कारण की बात करें तो फेफड़ों में रक्त का थक्का, एक ऑटो इम्यून बीमारी जैसे ल्यूपस, गठिया, छाती में चोट, स्किल सेल एनीमिया जैसे कई कारण होते हैं। इसके लक्षण की बात करें तो हल्की या गहरी सांस लेने पर सीने में दर्द होना, दर्द जो आपके कंधे या पीठ में फैलता है, खांसी, बुखार और ठंड लगना शामिल है। इसके अगर बचाव की बात की जाए तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिसे आप अजमा सकते हैं। जैसे शहद और पान में खाए जाने वाले चूने को मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसका लेप पसलियों में दर्द वाली जगह पर लगाने से आराम मिलता है। सरसों के तेल में तारपीन का तेल मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद रोगी की पसलियों पर हल्के हाथों से मालिश करें। लहसुन की कली को हल्का भूनकर चूर्ण के रूप में शहद के साथ रोगी को सेवन कराएं। अदरक, तुलसी, काली मिर्च का काढ़ा बनाकर उसमें एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर सेवन कराना चाहिए। इससे थोड़ा आराम मिलता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।